भोजपुरी के उभरते स्टार धनंजय धड़कन के साथ हुआ धोखेबाजी। उनके अपने ही लोगों ने दिया उन्हें धोखा। धनंजय धड़कन ने अपने इस धोखेबाजी के लिए किया खुलासा और उनका समर्थन कर रही है भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे। तो चलिए जानते हैं कि धनंजय धड़कन ने क्या किया खुलासा। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। जी हां, धनंजय धड़कन ने किया खुलासा कि उनके साथ कैसे किया गया धोखेबाजी। उन्होंने लाइव आकर बहुत से खुलासे किए हैं। धनंजय धड़कन ने लाइव आकर कहा है कि उन्हें गाना गाने के बदले पैसे नहीं मिलते थे और हर महीने 30 से 40 गाना गवाए जाते थे और जब वे गाने के बदले पैसे मांगते थे तो उन्हें टाल दिया जाता था। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें केवल गाने के लिए महीने के 8000 रुपए ही मिलते थे और उनके बहुत से फिल्म भी रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। आपको बता दे कि जब धनंजय धड़कन के इस खुलासे के बारे में यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कलाकार का सम्मान करना चाहिए, ना इंसाफी नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी इंसान अपने बदौलत आगे नहीं बढ़ता है, हर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी छोटे या बड़े का सहारा लेना ही पड़ता है। और बात की जाए म्यूजिक कंपनी की तो हर म्यूजिक कंपनी के लिए सिंगर की जरूरत होती है क्योंकि बिना सिंगर के उनका म्यूजिक कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा और इसके लिए आपको सिंगर की इज्जत करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए क्योंकि म्यूजिक कंपनी के लिए वे स्टार हैं। आम्रपाली दुबे ने ये भी कहा है कि धनंजय धड़कन ऐसे उभरते स्टार हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री को इनके जैसे स्टार की जरूरत है। तो इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी स्टार की इज्जत करें और इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने में हम सबकी मदद करें। आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे के इस बात की पुष्टि उनके फैन पेज के जरिए शेयर किया गया है। हालांकि इस बारे में आम्रपाली दुबे ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर उनसे फ्यूचर में कभी इसके बारे में पूछा जाएगा तो शायद वो भी यही कहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।